आज जो हम उपकरण के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है प्लानीमीटर। सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत इस उपकरण का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी क्षेत्र का नक्शा है और वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो उस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है अगर ऐसे हम कैलकुलेशन करके निकालें तो। लेकिन अगर प्लानीमीटर उपकरण अगर हमारे पास है तो इस आसानी से इस उपकरण के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो प्लानीमीटर किसने आखिर बनाया था? वो प्रोफेसर थे, एक स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर जैकब अम्सलर। अम्सलर लाफन ये स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के थे ये प्रोफेसर और इन्होंने इसका खोज 1854 ईस्वी में किया था इस उपकरण का। और ये प्लानीमीटर जो होता है इसका जो उपयोग है वो उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? तो इसका उपयोग किसी भी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र क्षेत्र के, चाहे वो कितना भी ऊबड़ खाबड़ हो, कितना भी वो टेढ़ा मेढ़ा हो, और ऊबड़ खाबड़ या यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा भी जोड़ सकते हैं, या टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में उपयोगी है। या फिर उपयोग के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर जो यह उपकरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली जो प्लानीमीटर उपकरण है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है, जो प्रोफेसर साहब हैं इनके नाम पर ही पहला उपकरण जो हो गया एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। और जो दूसरा हमारा प्लानीमीटर होता है वो होता है रोलर प्लानीमीटर। तो एम्सलर पोलर प्लानीमीटर जो होता है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पे हम इसी उपकरण को देखेंगे। सर्वेक्षण कार्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो एम्सलर पोलर प्लानीमीटर के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने पोलर प्लानीमीटर का हमने रफ डायग्राम बनाया हुआ है और इसकी सहायता से हम उसके विभिन्न अवयवों को समझेंगे जिनकी सहायता से प्लानीमीटर एक शुद्ध रूप से नक्शे का क्षेत्रफल प्रदान करता है। तो इन के जो मुख्य अवयव हैं उनमें से जैसे एक ये लंबी वाली जो भुजा हो गई इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग आर्म, और ये जो छोटी वाली भुजा है इसको हम बोलते हैं पोल आर्म। तो पोल आर्म के जो किनारे पर जो ये बिंदु सा बना हुआ है इसको हम पोल पॉइंट बोलते हैं, और जो ट्रेसिंग आर्म के किनारे पर जो ये पिन जैसा बिंदु बना हुआ है इसको हम ट्रेसिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, इसका जो नाम है ट्रेसिंग आर्म और इसका नाम पोल आर्म। ट्रेसिंग आर्म जो है इसकी जो लंबाई है वो हमारा जो नक्शा जितना बड़ा छोटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बढ़ जाएगी घट जाएगी। तो यहाँ से ये ऐसे कुछ रहता है बना हुआ जिसकी सहायता से ये एडजस्ट हो जाएगा, आगे की तरफ सरकने वाला उसमें बना रहता है। और ये जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे ट्रेसिंग पॉइंट अर्थात अनुरेखण बिंदु
और इसको हम बोलेंगे पोल बिंदु, पोल पॉइंट, पोल बिंदु कह सकते हैं हिंदी में, पोल भुजा कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक जानकारी हमको ये मिल रही है कि ट्रेसिंग आर्म जो है, इसकी लंबाई जो है वो स्केल, जितना भी हमारा मैप का स्केल रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसकी लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। जबकि जो पोल भुजा है, पोल आर्म जो है, इसका जो लंबाई है वो फिक्स रहता है, तो फिक्स्ड लेंथ होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे आएंगे जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये व्हील है। व्हील व्हील अर्थात इसको चक्री बोलेंगे, और इसी चक्री से लगा रहता है जो वो, ये किनारे जो लगा रहेगा इसको हम बोलते हैं अंशांकित ड्रम। ये व्हील से ही जुड़ा रहता है, और ये यहाँ पे जो है ये जो छड़ नुमा रहेगा ये यहाँ पे पिन से जुड़ा रहेगा, ये पिन है। और उसके बाद ये जो है ये हमारा आवर्धक शीशा है, आवर्धक शीशा। मैं एक यहाँ पे जो हमसे छूट गया है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंडेक्स। अब इन सब का क्या कार्य है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो जो अभी हमने नोट डाउन किया इम्पोर्टेंट के रूप में, एक तो ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पॉइंट, पोल पॉइंट, पोल आर्म, ट्रेसिंग आर्म, फिक्स्ड इंडेक्स, अंशांकित ड्रम, व्हील और आवर्धक शीशा, और यहाँ पे पिन। इतने अवयवों को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। हमने अवयवों के बारे में बात किया तो उसमें जो व्हील आया था और अंशांकित ड्रम आया था। तो जो व्हील होता है व्हील से जुड़ा होता है अंशांकित ड्रम। जैसे हमने वहाँ पे फिगर बनाया था, तो व्हील अगर ऐसे हो गया तो इसके किनारे में ऐसे जुड़ा रहेगा अंशांकित ड्रम, जिस पे 0 से लेकर के 100 तक खांचे बने होते हैं, वो रीडिंग पढ़ने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे जो ये व्हील है, हाँ, प्लानीमीटर का व्हील, अगर यह प्लानीमीटर का व्हील जो है वो जितना चक्कर घूमेगा वो पढ़ा जाएगा कहाँ पे? प्लानीमीटर का जो व्हील है यह अगर घूमेगा, यह घूम रहा है, तो हमारा जो मान पढ़ा जाएगा वो किस पे पढ़ा जाएगा? अंशांकित ड्रम पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसी पे लगा हुआ है 0 से लेकर के 100 तक का रीडिंग पैमाना जो लगा हुआ है वो ग्रेजुएटेड ड्रम पर ही लगा हुआ है। तो उसके बाद जब जैसे हमारा जो व्हील है वो अगर 10 चक्कर घूमता है, व्हील का 10 चक्कर, व्हील जब 10 चक्कर घूमता है तो इसको हम कितना गिनते हैं? अंशांकित ड्रम पर 1 चक्कर मानते हैं। तो इसका 10 चक्कर इसके 1 चक्कर के बराबर होता है। और फिर यहाँ पे ये जो अंशांकित ड्रम है इस पे 0 से 100 तक जैसे हमने बताया चिन्ह बने होते हैं। अब इस अंशांकित, इस अंशांकित ड्रम के पास लगा होता है हमारा फिक्स्ड इंडेक्स। ये जो फिक्स्ड इंडेक्स होता है, ये फिक्स्ड इंडेक्स इसलिए लगाया जाता है कि अंशांकित ड्रम का जो जीरो है वो कितनी बार पार कर रहा है उसको गिनने के लिए फिक्स इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग अंशांकित ड्रम पर बने 0 को
कितनी बार पार किया गया को गिनने हेतु किया जाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, जब हम फार्मूला यूज करेंगे, जब हम फार्मूला का उपयोग करेंगे एरिया निकालने के लिए प्लानीमीटर के द्वारा, तो वहाँ पे जो फिक्स इंडेक्स का जीरो कितनी बार काउंट हुआ है उसका मान वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको भरना होता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है इस बात पे। इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि आखिर एक कार्य कैसे करता है। अगर हमारे पास कोई नक्शा है तो उस नक्शा पे आखिर प्लानीमीटर कैसे कार्य करेगा। ये जो अवयव थे उनका कार्य प्रणाली हमने बताया कि जो व्हील होता है वो जुड़ा होता है किससे, वो अंशांकित ड्रम से जुड़ा होता है, और अंशांकित ड्रम पर जीरो से लेकर के 100 तक चिन्ह बने होते हैं। और ये चिन्ह जो होते हैं, अगर हमारी जो चक्की घूमेगी तो रीडिंग पढ़ा जाएगा इसके ऊपर, अगर हमारी चक्की 10 बार घूमती है तो अंशांकित ड्रम पर एक बार गिना जाएगा, और फिर जो ये अंशांकित ड्रम है उसका जीरो जो है वो कितनी बार पार कर रहा है, तो वो कैसे हमको पता चलेगा, वो फिक्स इंडेक्स के द्वारा पता चलेगा। और ये फिक्स इंडेक्स वो उसका काउंट करेगा कि कितनी बार वो जीरो को, जीरो जो है वो पार हो रहा है, तो उसका नंबर में आएगा कि जैसे एक बार पार हुआ, दो बार पार हुआ, तो उसका उसको हम लिख करके रखेंगे। अब हम देखेंगे प्लानीमीटर की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम एरिया ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो मैप रहेगा जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर वो नक्शे का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, तो जब छोटा क्षेत्रफल रहेगा तो प्लानीमीटर का जो पोल पॉइंट है, जो छोटी वाली भुजा थी, जो ये छोटी वाली जो भुजा थी, इसका ये बिंदु पोल पॉइंट था, तो ये पोल पॉइंट नक्शे के बाहर रखेंगे। और जब पोल पॉइंट जो है वो अंदर कब रहेगा, जब नक्शा काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, जब क्षेत्र का नक्शा छोटा हो तो नक्शा छोटा रहेगा, तो पोल पॉइंट क्षेत्र के बाहर रखेंगे, पोल पॉइंट क्षेत्र के बाहर, और ठीक इसका अपोजिट जब क्षेत्र का नक्शा बड़ा हो तो पोल पॉइंट क्षेत्र के अंदर रखते हैं। अब इसके बाद हम जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको अप्लाई करेंगे कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है। तो पहले जो कंडीशन ये है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पोल पॉइंट को नक्शे पर रखेंगे या गाड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्षेत्र के कंडीशन के हिसाब से पोल पॉइंट को नक्शे पर स्थापित करेंगे। अब दूसरा स्टेप जो है, जब हम स्थापित कर लेंगे नक्शे के ऊपर, तो जो उसका ट्रेसिंग आर्म होता है, जो बड़ी वाली भुजा है, जो जिसको स्केल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है, उस ट्रेसिंग आर्म को स्केल के अनुसार एडजस्ट करेंगे। स्टेप टू, ट्रेसिंग आर्म को स्केल के अनुसार एडजस्ट करेंगे।
अब जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो वहाँ पे जो हमको फर्स्ट इनिशियल पॉइंट रहेगा उस इनिशियल पॉइंट को नोट करेंगे, तथा प्रारंभिक मान को नोट करेंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जब हम प्रारंभिक मान को नोट कर लिए रहेंगे उसके बाद क्या काम करेंगे कि ट्रेसिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्षेत्र की सीमा पर जो उसका किनारे वाला बॉर्डर लाइन रहेगा उस पे हम क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे। एडजस्ट करने के पश्चात ट्रेसिंग पॉइंट को, जो नुकीला वाला भाग रहता है ट्रेसिंग आर्म का पॉइंट को, नक्शे के बाहरी सीमा पर क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे, मतलब कि इस तरीके से। अब जब क्लॉकवाइज दिशा में वो चलेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप फोर में जब ट्रेसिंग पॉइंट जो है पूरे क्षेत्र को परिधि में घूम जाएगा, तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जैसे हमारे पास अगर कोई एक नक्शा है, मान लीजिए अगर ये हमारे पास नक्शा है तो हम अपना ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे ऐसे। अब यहीं से हम चलेंगे तो ऐसे ऐसे इसके किनारे पर उसको घुमाते हुए ले जाएंगे और फिर घुमाते घुमाते लास्ट तक ले आएंगे। तो चौथा स्टेप जो होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप चार, ट्रेसिंग पॉइंट को नक्शे की पूरी परिधि पर क्लॉकवाइज घुमाने के पश्चात उसी बिंदु पर घुमाना बंद करेंगे, जहां से शुरू किए थे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे लाके ख़त्म करना है और फिर फाइनल रीडिंग ले लेंगे, फिर फाइनल रीडिंग ले लेते हैं। स्टेप नंबर चार के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी फाइनल और इनिशियल रीडिंग आ गई है, अब फाइनल और इनिशियल रीडिंग के आने के बाद अब हम जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उस पर अप्लाई करें, एरिया बराबर होता है m इंटू f माइनस i प्लस माइनस 10n प्लस c। अब इसमें सबको देखेंगे बारी बारी से कि आखिर ये क्या क्या है। तो यहाँ पे जो m है, ये m है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या प्लानीमीटर कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या प्लानीमीटर कांस्टेंट। अर्थात प्लानीमीटर स्थिरांक या गुणात्मक स्थिरांक हिंदी में इसको कहेंगे। और ये जो होता है, ये पहिया जो हमारा व्हील था, व्हील का एक चक्कर का क्षेत्रफल के बराबर होता है जो यम है। तो यह पहिए के एक चक्कर के
क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ पे यफ जो है ये फाइनल रीडिंग है और आई जो है ये इनिशियल रीडिंग है। पहली रीडिंग जो है वो आई है और जो लास्ट वाली जो रीडिंग है वो यफ है। और उसके बाद ये जो 10 है ये 10 हम मल्टीपल के रूप में रखते हैं। और यहाँ पे जो यन है, यन आखिर क्या है इसको हम देखेंगे। तो यन जो है जो अंशांकित ड्रम था उस पर जो जीरो जीरो बना हुआ था, उस जीरो वो जो जीरो है वो फिक्स्ड इंडेक्स को पार कर कितनी बार पार किया है उसकी वो संख्या यन दर्शाता है। तो यन जो है वो क्या दर्शाता है, अंशांकित ड्रम पर बने जीरो द्वारा फिक्स्ड इंडेक्स को पार करने की संख्या वो क्या है हमारा, यन है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला एक कांस्टेंट आता है कि जो ये सी है, ये सी आखिर क्या है, तो जो ये सी है कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अर्थात उपकरण स्थिरांक। उपकरण स्थिरांक का जो मान है इसको हम तभी लेंगे जब पोल पॉइंट जो है वो ज्ञात किए जा रहे क्षेत्र के भीतर है। इसका मान तभी लेते हैं जब ज्ञात किए जा रहे क्षेत्र, ज्ञात किए जा रहे क्षेत्र के भीतर क्या हो, पोल पॉइंट हो, क्षेत्र के भीतर पोल पॉइंट हो। यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट एक है वो यहाँ पे छूट रहा था कि प्लस माइनस का जो साइन है वो प्लस माइनस का साइन आखिर कब यूज होगा, प्लस और कब यूज होगा माइनस। तो अगर यहाँ पे जो यन यन था हमारा अंशांकित ड्रम पर बना जो जीरो था वो फिक्स्ड इंडेक्स को कितनी बार पार कर रहा है, जो जीरो है वो फिक्स्ड इंडेक्स को क्लॉक वाइज दिशा में जब पार करेगा तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू ली जाएगी वो प्लस में ली जाएगी, और जब एंटी क्लॉक में पार करेगा तो निगेटिव वैल्यू लेंगे हम वहाँ पे।